हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, जितने भी महिला संविदा कर्मी हैं और बेल्टन के जितने भी महिला कर्मी हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, आईटी गर्ल्स, सभी संविदा कर्मियों को यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुका है बिहार सरकार की तरफ से। इस लेटर को देखने के बाद आपके मन में भी खुशी की लहर छा जाएगी, आप खुशी से पागल हो जाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। खुशखबरी क्या है आइए जानते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मियों के लिए, अब महिला संविदा कर्मियों को अब 6 माह का अवकाश दे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का आदेश यहाँ पे जारी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप दिनांक देख सकते हैं, 1/7/2022, ठीक है। प्रतरण संख्या 707 है और इस किसके लिए यह खुशखबरी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बेल्टन के द्वारा यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न कोटि के महिला संविदा कर्मी, ठीक है, महिला संविदा कर्मी के बारे बोला जा रहा है यहाँ पे, यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामर या फिर स्टेनोग्राफर या फिर आईटी गर्ल्स को यहाँ पे पूर्ण वेतन निम्नलिखित शर्तों के साथ मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। सबसे पहला क्या है, मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी संविदा कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी है, यानी कि साल भर में आप अगर 80 दिन, ठीक है, यानी कि आप लगभग कि 4 महीने अगर काम कर चुके हैं तो आपको ये अवकाश मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है, अनुमानित प्रसव की तिथि में 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद तक कुल 26 सप्ताह अवकाश अनुमान्य होगी, यानी कि 26 सप्ताह का आपको अवकाश मिलने वाली है। उसके बाद 2 जीवित बच्चों के बाद प्रसव की स्थिति की अनुमति प्रसव की तिथि में 6 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 6 सप्ताह बाद 12 सप्ताह अनुमान्य होगी, यानी कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको सिर्फ 12 सप्ताह का यहाँ पे अवकाश दे होगा। अवकाश अवधि में निकोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एवं कार्यपालक आदेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार की छुट्टियाँ मातृत्व अवकाश के गणना में ही शामिल होगी, ठीक है। जितनी भी छुट्टियां होती है वो आपके मातृत्व अवकाश के शामिल होगी, उसको गणना के साथ आपको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अवकाश उपभोग के बाद योगदान के पश्चात कर्मी उसी वेतन का हकदार होगा जो वेतन अवकाश में प्रस्ताव करने के पूर्व उसे मिल रहा था, ठीक है। अवकाश अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि की अवस्था में कर्मी को अगली वेतन वृद्धि अवकाश उपरांत योगदान की तिथि को ही स्वीकृत की जा सकेगी, जिस प्रभाव मात्र उसी वर्ष तक होगा। आगामी वर्ष में पूर्ववत आदेश संख्या इतना दिनांक इतना के अनुरूप जनवरी माह में वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। मातृत्व अवकाश की अवधि में माता की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्युवत लाभ मृत्यु की स्थिति का अनुमान्य होगा, तथा अगर माता बच्चे को जन्म देती है एवं प्रसव के दरमान्य या तुरंत बाद उनकी माता की मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को पूरे अनुमान्य काल का मातृत्व लाभ दे होगा, ठीक है। अगर उनकी माता की मृत्यु हो जाती है किसी बच्चे के तो उनको भी ये लाभ दे होगा। मान्य मातृत्व काल में अगर बच्चे की भी मौत हो जाती है तो मातृत्व लाभ बच्चे की मौत की तिथि का दे होगा, ठीक है। तो बच्चे की मौत की तिथि को ही मातृत्व लाभ का दे होगा। उसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर पे क्या है, 3 वर्ष से कम उम्र के कानून रूप से गोद लिए बच्चे के लिए गोद लेने की तिथि या सोरगेट माँ को सुरवास माँ को यहाँ पे 12 सप्ताह का मातृत्व। और फ्रेंड्स, इसमें बच्चे की मौत अगर हो जाती है तो आपको ये लाभ मिलने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे 7वां पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 वर्ष से कम उम्र, यानी कि 3 वर्ष से कम उम्र के गोद लिए बच्चे को अगर माँ की स्वर्गवास हो जाती है तो आपको यहाँ पे 12 सप्ताह का अनुमान्य अवकाश दे हो। यहाँ पे बोला क्या गया फ्रेंड्स, अगर 3 वर्ष से कम उम्र की कोई बच्चा है
उसको गोद लिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है 12 सप्ताह का मातृ अवकाश मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है विधि विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग का सहमति प्राप्त हो चुका है, इसके प्रस्ताव भारत की वित्त मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है, आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी हो। महिला संविदा कर्मी खासकर उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, 6 महीने का अवकाश मिलने वाली है, ठीक है। चाहे वो गर्भवती महिला हो या 2 बच्चे की माँ हो, बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो इन सारे कंडीशन में आपको जो है ये लाभ प्राप्त होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है और किनको नहीं मिलने वाला है।